अपने व्यूअर्स को हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह जो आप रोजाना देखते हैं हेल्दी मॉर्निंग। हम सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी बातें लेकर, और इस होप के साथ जो मैं आपको रोजाना बताती हूँ, हमारी होप होती है कि आप अच्छी बातें सीखेंगे और आगे लोगों को सिखाएंगे। शो का फॉर्मेट आपको पता ही है, शो का फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ हर रोज़। आज भी शो का फॉर्मेट बताऊँगी। हमारे पास सबसे पहले होगी आज हमारा लेसन 3। लेसन 3 हमारा क्या होगा, जिस तरह फरहाना मिर्जा डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज का बता रही हैं कि कल उन्होंने अपर बॉडी कराया था, आज वो आपको थोड़े से और एक्सरसाइजेस बताएंगी वार्म अप के साथ। हम लोग एक दिन का पहले का रीकैप करते हैं और फिर आगे एक्सरसाइजेस करते हैं। आई होप आप हमारे वेट लॉस प्रोग्राम जो है उसको फॉलो कर रहे हो और अपना डेटा मेंटेन कीजिएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास होती है हेल्दी मॉर्निंग टिप, और आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आज हम ब्रशिंग टेक्निक बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज आपने हेल्दी मॉर्निंग टिप देखनी ही देखनी है। उसके बाद आपको पता है कि एक पोल का सवाल होता है हमारे पास, आज भी बड़ा मज़े का चटपटा सा सवाल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में, लेकिन ज़रूर सोच के बताइएगा। और इसके बाद आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है, जब एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है तो हमारे पास आज मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब हमारे पास होंगे। हम उनसे आपके सितारों का हाल पूछेंगे, आप लोग तब कॉल कर सकते हैं उनसे बात करके, अपने सितारों का हाल पूछ के हमारे पोल का जवाब भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेडिकल सेगमेंट है, हमने सोचा इतना ज़्यादा आम है पान छालियाँ गुटखा और लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं पता, पता ही नहीं कि किस तरह लोग सफ़र करते हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना आज हम पान छालियाँ गुटखा पे बात करें, आपको बताएं कि ये खाने से क्या होता है। और इसमें हमारे पास होंगे दो बहुत ही मौजूद डॉक्टर हज़ार जो इस फील्ड में अपनी फील्ड में माहिर हैं। इसके बाद बेस्ट 5 में हमारे पास है एक सेलिब्रिटी गेस्ट अगेन, लेकिन वो कौन है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको तब ही बताऊंगी जब वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और आप लोग सारे पता है पूरे शो के बीच में भी और शो के बाद भी आप जिस तरह हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो तरीके बड़े ही आसान हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। उसके बाद जो आसान सा तरीका है वो ये है कि पूरी दुनिया फेसबुक पे है तो हम भी फेसबुक पे हैं, तो हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इस पे भी आप आकर हमारा पेज लाइक करके हमारे पेज पे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और हमसे वहाँ बात कर सकते हैं। हम 24 आवर्स उस पेज को मॉनिटर कर रहे हैं, और फिर जब हमारे फ़ोन लाइंस ओपन होंगे तो आप लोग डेफिनेटली हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब चूँकि वक्त हो चुका है एक्सरसाइज का तो मैं और टाइम नहीं लूँगी, आज लेसन 3 है, चल के करते हैं फरहाना मिर्ज़ा के पास लेसन 3। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा आपकी एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा वेट रिडक्शन का प्रोग्राम चल रहा है और इसका आज है 3rd डे, जिसमें हम आज फोकस कर रहे हैं अपने साइड्स यानी लव हैंडल्स को और अपने एब्डोमिनल्स को, जिसमें आपका अपर एब्डोमिनल एंड लोअर एब्डोमिनल फोकस होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। साइड ना, ये तो कुछ हमने वार्म अप किया, आपने इसको 5 से 10 मिनट तक करना है जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, और उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग करनी है।
नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज, जिसमें आज हमारा फोकस है साइड्स का, यानी कि लव हैंडल्स को जिसे हम बोलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपने शोल्डर डिस्टेंस का अपना ओपन योर लेग्स और साइड पे जाना है। जितना ज़्यादा नीचे जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने आप को पहले कंफर्टेबल लेवल पर रखें। बैक स्ट्रेच, चेस्ट और टमी इन, एक लेवल पर आपने जाना है अप एंड डाउन। इसी तरह से आपने 15 टाइम्स, अगर मैंने राइट साइड पे 15 टाइम्स किया है तो आपने लेफ्ट साइड पे भी 15 टाइम्स ही करना है। नाउ इसी में हम दूसरा करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 and side change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा एक्सरसाइज में आप इस चीज़ को फोकस करें कि आपका पोस्चर कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट पोस्चर नहीं होना चाहिए। जैसे बाज लोग जो है वो सेंटर में नहीं आते हैं और हाफ पोस्चर करते हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जैसे उनके सर पे एक बोझ है। नाउ अब आपने क्या करना है, ये भी मैं आपको साइड की ही बता रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इस तरह से आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ना। ये तो कुछ तीन एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको साइड्स के लिए बताई हैं। ओके, अब हम सिंपल क्रंच में आपको बताऊंगी, जो पेट की जो बेसिक एक्सरसाइज है वो हम क्रंच उसको कहते हैं। क्रंचेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जिसमें मैं आपको बेसिक और सिंपल बताऊंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि क्रंच का स्टाइल कैसा होना चाहिए। क्रंच में लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं जिसकी वजह से उनके शोल्डर्स वगैरह में दर्द हो जाता है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपका वी शेप, और जस्ट ओपन योर लेग्स लाइक दिस। आपने वी शेप बनाना है इस तरह से अपने सर के पीछे, यानी हल्का सा आपने इसको यहाँ की तरफ साइड स्लोप पे देखना है सामने इस तरफ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड होल। नाउ अपनी लेग्स को, नीज को बेंड करेंगे और टर्न टू द राइट साइड, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सेंटर एंड साइड चेंज। नाउ अपने लेफ्ट साइड पे टर्न करना है अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। और इसके बाद आपने 12, 12, 12 आपने तीनों तरफ कर लिया। इसके बाद 12 राइट साइड देन लेफ्ट साइड, और फिर आपने अगेन स्ट्रेच किया। आपने किस तरीके से स्ट्रेच योर लेग, स्ट्रेच योर आर्म्स। नाउ अब आपने क्या करना है, डबल क्रंच करेंगे। अच्छा क्रंचेस में ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके सेट्स लगाएं। अगर आपने 20-20 के तकरीबन आप 3 सेट लगाएं, ये फॉर बिगनर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप इसके नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते चले जाएं, इसमें रिपीटेशन भी आप बढ़ाते चले जाएं। अगर आप पहले सेट में 20 कर रहे हैं तो आप जो है इसमें 30, then 40, then 50 इसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते जाएं। तो अभी सोच चुके आपको पता है ये बिगनर्स का सेशन है ना। अब आपने क्या करना है, अगेन होल्ड योर नीज और अपने दोनों हाथों से अपने सर को इस तरह से अपने होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड होल्ड एंड रिलैक्स। नाउ
चेयर पोजीशन बनानी है आपने, आप अभी अपने क्या कहते हैं नी को उस तरह से आपने होल्ड करना है हवा में और लगे जैसे चेयर पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आपने इसी पोजीशन में रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड रिलैक्स। अच्छा, याद रखें जब आपका जो जो कि पेट वो हिस्सा है जो कि आपके जिस्म में बीच में होता है, तो अगर आप दोनों तरफ से आप प्रेशराइज करते हो तो काफ़ी इसमें आपको पेन वगैरह शुरू में महसूस होता है। और आप नोट करेंगे जब आप एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके जो स्टमक में जो है वो स्ट्रेचिंग फील होती है, आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि जैसे वाकई आज हमने प्रॉपर तरीके से एब्डोमिनल की एक्सरसाइज की है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इट्स नॉर्मल, ये अच्छा रिजल्ट है कि जब भी आपको एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपके मसल्स वगैरह में दर्द शुरू होता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो थी, जो एक तरह की इनएक्टिव थी, वो जो है अब एक्टिव होना शुरू हुई है। ओके व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा वेट रिडक्शन प्रोग्राम का थर्ड डे था जिसमें हमने फोकस किया अपने एब्डोमिनल को, और कल इंशाल्लाह थर्सडे को हमारा फोकस होगा पूरा फुल बॉडी वर्कआउट जिसमें हम हेड टू टो जो है वो सारी एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे, और फिर फ्राइडे को हमारा लाइव शो होगा जिसमें आप मुझसे एक्सरसाइज जो भी मैंने अभी तक करवाई है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन आंसर जो भी आप मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Thank you so much, Farhana Mirza. Very, very good exercises. In fact, I should say, female के लिए बहुत important है exercise, क्योंकि ज़्यादा जो love handles और sides का problem होता है वो female को बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि male को नहीं होता, male को भी definitely होता है, but female का ये issue बहुत ज़्यादा है। And बहुत ही simple exercise है, mat exercise है, आपको उसमें किसी weight की या किसी और चीज़ की खास ज़रूरत नहीं है। I think it can be done very easily and it will hardly take 10 minutes because I personally do these exercises, so ये बहुत आसान है। और जी हमारी इसके साथ वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हम हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ।